अब वो खबरें फटाफट अंदाज में जो रही दिन भर की सुर्खियां। केरल को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पहुंचे और तिरुवनंतपुरम कासरगोड के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को विदा किया। ये ट्रेन केरल के 11 जिलों से होकर गुजरेगी। इनमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठान मथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड शामिल हैं। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने ट्रेन के अंदर स्कूली बच्चों के एक ग्रुप के साथ बातचीत की। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो का भी लोकार्पण किया। करीब 1,136 करोड़ रुपए की परियोजना को केरल के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। पोर्ट सिटी कोच्चि में तैयार की गई ये वाटर मेट्रो सर्विस कोच्चि सिटी से आज के आसपास के 10 टापुओं को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में 78 इलेक्ट्रिक बोट्स और 38 टर्मिनल्स हैं। पहले चरण में कोच्चि वाटर मेट्रो हाई कोर्ट वाइपिन टर्मिनल और वेट्टिला ककनाट टर्मिनल के बीच शुरू हो रही है। वाटर मेट्रो पर सफर के लिए न्यूनतम किराया 20 रुपए है, जो कि लोग नियमित यात्री होंगे वो बस या फिर लोकल ट्रेन की तरह साप्ताहिक और मासिक पास भी ले सकते हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राज्य के बागलकोट में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है और वो बीजेपी से आए नेताओं के आधार पर चुनाव लड़ रही है। शाह ने बताया कि ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में दिवालियापन आ गया है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के मैसूरू से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंची है। प्रियंका ने राहुल गांधी की तरह ही कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने बेशर्मी और बेरहमी से लूटा है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस और सरकार को नोटिस जारी किया है। विनेश फोगाट समेत 7 महिला पहलवानों ने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दिल्ली पुलिस और सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार यानी 28 अप्रैल को होगी। एनआईए ने आज प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापे 5 राज्यों के 17 ठिकानों पर मारे गए हैं। इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और पंजाब शामिल हैं। कल 17 लोकेशन में से 12 बिहार में, 2 उत्तर प्रदेश में और 1 मध्य प्रदेश, पंजाब और गोवा में है। बिहार के दरभंगा में उर्दू बाजार में डेंटिस्ट के घर पर रेड मारी गई है। वहीं मोतिहारी के चकिया में पीएफआई के सदस्य के घर टीम पहुंची। इसके पहले एनआईए की टीम पीएफआई संगठन से जुड़े सदस्यों को पिछले महीने गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में नाबालिग लड़की की मौत के मामले को लेकर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। इसे रोकने के लिए पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। देखते ही देखते विरोध हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया। लोगों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही लोगों ने पुलिस स्टेशन में भी आग लगाने की कोशिश की। आपको बता दें कि उत्तर दिनाजपुर जिले में पिछले हफ्ते से नाबालिग लड़की की मौत के विरोध में प्रदर्शन जारी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बच्ची का शव नहर में तैरता हुआ मिला था। केरल के त्रिशूर में मोबाइल फटने का मामला सामने आया है। इस हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वीडियो देखते समय मोबाइल में ब्लास्ट हुआ। फोन बच्ची के हाथ में जोरदार धमाके से फटा और बच्ची घायल हुई। यह घटना सोमवार देर रात बताई जा रही है। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद बच्ची को नहीं बचाया जा सका।
और अब बात कवर स्टोरीज की। क्या आप मानते हैं कि मैथ्स के मामले में लड़के लड़कियों से बेहतर हैं? अगर ऐसा है तो आपको ये सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मैथ्स को लेकर लड़के और लड़कियों की तुलना की ही नहीं जा सकती। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में 83 देशों में किशोरों के बीच गणित विषय को लेकर स्टडी की गई है। इस स्टडी के मुताबिक 34% लड़के गणित के टॉपर रहे, जबकि 38% लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। कुछ छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर मैथ्स के मामले में लड़कों ने लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। सिंगापुर की बात करते हैं। मैथ्स में लड़कियों को 95 नंबर मिले, जबकि लड़कों को औसतन 92 नंबर मिले। साउथ कोरिया में 86 नंबर लड़कियों को तो 84 नंबर लड़कों को मिले। वियतनाम में 83 नंबर लड़कियों को तो 79 नंबर लाकर लड़कों ने टॉप किया। आइसलैंड में 69 नंबर लड़कियों को मिले तो 63 नंबर लड़कों को मिले। यूएई में इस तरह के आंकड़े सामने नहीं आए, इस तरह के आंकड़े जो सामने आए हैं उसमें 48 नंबर लड़कियों को मिले तो 45 नंबर लड़कों को मिले। हालांकि यूके एक ऐसी जगह रही है जहां पर लड़कियों को 80 नंबर मिले और लड़कों को उससे कुछ ज्यादा 82 नंबर मिले और उनसे कुछ बेहतर प्रदर्शन किया लड़कों ने। बेल्जियम में ऐसे ही आंकड़े देखने को मिले, लड़कियों ने 79 नंबर लाकर मैथ्स में अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि लड़कों ने 82 नंबर लाकर टॉप किया। वहीं स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, न्यूजीलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, अमेरिका ऐसे देश हैं जहां लड़के और लड़कियों के प्रदर्शन में कुछ ज्यादा अंतर दिखा नहीं। कुछ देशों में 1-2% का ही अंतर नजर आया। वहीं रीडिंग के मामले में स्थिति ऐसी ही दिखी, किसी देश में लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया जबकि कुछ देशों में लड़के अव्वल रहे, लेकिन ज्यादातर देशों में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। सिंगापुर में लड़कियों को 92 नंबर मिले जबकि लड़कों को 86 नंबर मिले। यूएई की बात करें तो रीडिंग के मामले में लड़कों को 46 नंबर मिले जबकि लड़कियों को 78 नंबर लाकर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। और यूके में भी कमोबेश यही हाल दिखा, रीडिंग के मामले में लड़कियों को 86 नंबर तो वहीं लड़कों को 79 नंबर मिले। तो कुल आंकड़ों की बात करें तो स्टडी के मुताबिक ज्यादातर देशों में रीडिंग और मैथ्स के मामले में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में ये कहना तो गलत होगा कि मैथ्स के मामले में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम जरा इसको थोड़ा और गंभीरता से समझते हैं, सोचते हैं कि क्या वाकई मैथ्स का एप्टीट्यूड होना लड़का या लड़की होने से जुड़ा हुआ है। और ये बताने के लिए हमारे साथ आज एक बेहद ही खास मेहमान हैं और उनसे बेहतर ही शायद कोई इसे हमें समझा पाए। परिचय करा देते हैं, सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चर्चा की सबसे पहले मैं शुरुआत आपको बहुत बहुत बधाई के साथ करना चाहती हूँ। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया उसके लिए सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल सर। सर, हमने एक बहुत डिटेल रिपोर्ट दिखाई, हालांकि इसमें भारत का नाम तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा देश जिसने दुनिया को ह्यूमन कंप्यूटर दिया, हम शकुंतला देवी की बात कर रहे हैं जो कि चुटकियों में बता देती थी मैथ्स के कैलकुलेशन, वहां पर इस तरीके की धारणा होना कि जो लड़कियां हैं लड़कों से मैथ्स के मामले में कुछ कमतर हैं, ये परसेप्शन सर आपको क्या लगता है कहां से आया होगा? ये हमारे देश में बहुत सालों से चल रहा है, पूरी दुनिया में इस बात की बहस होती है कि लड़के आगे या लड़की आगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी महिलाओं को नहीं दिया जाता था, बच्चियों को पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, मौके जब नहीं मिलेंगे तो उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। अभी मैं जहां भी यात्रा करता हूँ, फ्लाइट में एक जमाना था एक भी पायलट लड़की नहीं होती थी, अभी महिलाएं काफी संख्या में मिल गई है। न्यूज एंकर की बात कही तो ज्यादा एंकर चर्चित आप ही लोग हैं, महिला है। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी धीरे धीरे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौके मिल रहे हैं, इसलिए लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है। हम लोग IIT की तैयारी करवाते हैं तो जो मिडिल क्लास फैमिली है या गरीब
स्तर के लोग हैं, वो सोचते हैं कि अरे बेटी अगर पढ़ रही है तो टीचर बन जाएगी या बहुत अच्छा पढ़ रही है तो डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन ये मिथ है, अभी टूट चुका है। हमारे सुपर 30 में भी लड़की आती है और बहुत अच्छा करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हमारे 30 बच्चे हैं और IIT 26 क्वालिफाई किसी साल किए, 24 किए, 28 किए, तो फेल होने वाली में लड़की कभी नहीं। चाहे प्रज्ञा वर्मा US में जाके मैथमेटिक्स अच्छा करके यहाँ से पढ़कर बहुत सुपर 30 से अच्छा कर रही है, निधि झा, शिवांगी गुप्ता, बहुत ऐसे उदाहरण है। तो अब निष्कर्ष ये मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चियों को मौका मिल रहा है, उनके माता पिता की समझदारी बढ़ रही है कि बच्ची कुछ भी कर सकती है, तो मौका मिल रहा है तो अच्छा कर रही है। हम तो इतना और जोड़ना चाहेंगे इस पे कि बच्चियों में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है लड़कों के तुलना में, उनमें गंभीरता ज्यादा होती है और अस्थिरता ज्यादा होती है, जिसमें ये क्वालिटी होगी वो मैथमेटिक्स में अच्छा करेगा। बिल्कुल सर, आपने ये कहा। और सर इसका जो एक बड़ा उदाहरण है, हम CBSE के नतीजों से ही अगर इसको जोड़कर देख लें, जिसमें पिछले कई सालों से लड़कियों ने टॉप किया है, लेकिन यहां पर हम ये बात करें कि क्या कोई एप्टीट्यूड में कोई कमी होती है क्या? क्योंकि आपने सर बहुत ही ग्राउंड लेवल पर बच्चों बच्चियों के साथ काम किया है, और कहां पर ऐसे कौन से इलाके हैं देश के जहां पर लड़कियां हैं तो बहुत ब्राइट, लेकिन शायद आपने कहा ना कि मौका नहीं मिलता, मौके की कमी के चलते बच्चियां पढ़ाई आगे कर नहीं पाती। क्योंकि सर जितना हमने अभी रिसर्च में, पिछले कुछ सालों की रिसर्च में पाया है, वो ये है कि प्राइमरी लेवल तक तो लड़कियां और लड़के अमूमन एक जैसी पढ़ाई में उनकी परफॉर्मेंस रहती है, मैथ्स में भी रहती है, लेकिन जैसे जैसे सर वो थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं, मतलब सीनियर क्लास में आते हैं, तब लड़कियों का जो एक रुख है वो थोड़ा सा नॉन मैथ्स वाले सब्जेक्ट में ज्यादा चला जाता है, और लड़के जो हैं उनको जैसे इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़के इंजीनियरिंग में जाते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो हायर क्लासेस में ज्यादा नजर आता है, जहां पर आपको चुनने की बारी आती है कि अब आपको अपने करियर को कैसे चुनना है। कहां पर सर सबसे ज्यादा ये एक बहुत बड़ा गैप देखा है आपने? देखिए, हायर क्लास की बात कहिए या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, कहीं भी ये गैप है, और ये गैप उस जगह पर ज्यादा था, छोटे छोटे शहरों में गैप ये ज्यादा देखा जाता है, बी टाउन, सी टाइप टाउन में ज्यादा देखा जाता है, जहां पर माता पिता शुरू से बच्चियों को ये ट्रेनिंग देते हैं या बात बात में बोलते हैं, उनके दिमाग में ये बात डाला जाता है कि भाई देखिए आप पढ़िए लिखिए बेटी, अच्छा करिए, आपकी तो शादी हो जानी है, आपको घर संभालना है, आपकी जिम्मेवारी जवाबदेही है। तो बच्चियों को ये ट्रेनिंग देने से, ये बातों को कहने से उनके मन में ये बातें बैठ जाती है कि नहीं अच्छा हम मैथ पढ़ के क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करके क्या करेंगे। लेकिन कई माता पिता आज समझदारी दिखाना जब शुरू किए, तो शकुंतला देवी का उदाहरण दिया, हमारे देश में रामानुजन कितने बड़े मैथमेटिशियन थे पुरुष, लेकिन शकुंतला देवी भी कम नहीं थी। तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, कई देश के नामी गिरामी IIT में, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में आपको महिला मिलेंगी जो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा पढ़ा रही है, यहां से बाहर जाके अच्छा रिसर्च कर रही है। तो छोटे शहरों में ये मानसिकता अभी धीरे धीरे बदल रही है, सरकार को भी चाहिए कि इसके लिए प्रोत्साहन दे, जैसे चाइना में, अमेरिका में ये परंपरा शुरू की गई है कि ओलंपियाड होता है, मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है, लेकिन वहां महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए गर्ल्स ओलंपियाड करके अलग शुरुआत की गई। सोवियत संघ में जो अब रशिया बन गया है, वहां भी देखिएगा कि अलग से मैथमेटिकल ओलंपियाड बच्चियों के लिए अलग ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि वो अपने आप को कमजोर न समझे। अलग ट्रेनिंग देने का मतलब, अलग परीक्षा आयोजित करने का मतलब ये नहीं कि उनको कम समझा जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनके मन में ये धारणा बैठाई जाती है कि तुम अच्छा कर सकती हो, और फिर फाइनली नोबेल प्राइज तक जीतती है बच्चियां। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोगों में अगर जागरूकता आएगी, लोगों के दिमाग में ये बात घर कर जाएगी, उनकी समझ बढ़ेगी कि बच्चियां अच्छा कर सकती है, जैसा भी आपने डेटा दिखाया, और ये सच भी है कि बच्चियां ज्यादा अच्छा कर सकती है, इसलिए
आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चियों को मैथमेटिक्स पढ़ने का अवसर दे, इसी से देश आगे बढ़े। बिल्कुल सर, और ये जो डेटा है यूनिसेफ का दुनिया के अलग अलग देशों का, वो बताने के लिए काफी है कि इसका ही या शी से बेसिकली जेंडर का कोई कनेक्शन नहीं है। बस जिस बच्चे को मौका मिला वो आगे चला गया सर। और आपने तो इतना अच्छे एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की सुपर 30 नाम से, और एक बहुत बड़ा श्रेय आपको भी जाता है उन बच्चों को पढ़ाने का जो कि शायद उनके पास कुछ ज्यादा साधन नहीं थे। पर सर, जो हमारे देश में स्कूल्स हैं, और जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के नाम से पहले थोड़ा सा लोगों में डर आ जाता है कि अरे बाबा मैथ्स तो हमारे स्कूल्स में सर, जो मैथ्स पढ़ाने का जो तरीका है या जो लेवल है, वो आपको लगता है क्या सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है? और जिस तरीके का परफॉर्मेंस होना चाहिए किसी एक लड़के का या लड़की का मैथ्स में, वैसा परफॉर्मेंस, वैसा बच्चा निखर के आ रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे देश में मैथमेटिक्स पढ़ाने के क्षेत्र में अभी बहुत सारे प्रयोग होने बाकी। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि 28 38 को जोड़ो, ऐड करो, लेकिन अब जो जोड़ने की प्रक्रिया है 8 8 16 का 6, बाकी अगले लाइन में 1 क्यों ऐड करेंगे, ये बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। जस्ट बच्चे रट लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन करना कैसे ही ये बताया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया से पहला डिजिट से मल्टीप्लाई किया, फिर जब दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो हम एक लाइन आगे बढ़ गए, कॉलम आगे बढ़े, फिर खट 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 ऐड कर दिया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। ऐसा क्यों हुआ नहीं बताया जाता। और साथ ही साथ हम लोग अब धीरे धीरे बच्चों को केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग तक सीमित कर दिए। जो मैथमेटिक्स हमारे वातावरण में है, नेचर से जोड़ के पढ़ाने की कलाकारी है, ये सब नहीं है हमारे देश में। एकदम रेयरली कहीं ना कहीं कोई टीचर पढ़ाते हो तो उसकी बात अलग है। तो हम चाहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है, नई शिक्षा नीति लाई है, और सरकार से अपील भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि मैथमेटिक्स टीचिंग के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाए और बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे स्टेट बोर्ड का स्कूल हो या तो सेंट्रल बोर्ड का हो या प्राइवेट स्कूल हो, हर जगह कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जाए। कोई जरूरी नहीं, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, फिजिकली जैसे भी हो, ट्रेनिंग देने के भी जरूरत है। कुछ एक्सपर्ट को जोड़कर एक कमिटी बनाकर, ताकि मैथमेटिक्स का बच्चे हाउ एंड व्हाई समझे, मैथमेटिक्स को फील करे। और जब ऐसा होगा कि बच्चा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जानने के बजाय क्यों होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये समझने की कोशिश करेगा, तो समझिए उस दिन से हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति आएगी और बच्चे बच्ची कोई भी बहुत अच्छा करेगा। आनंद सर, आपने बिल्कुल सही बोला। ये आपने जो एक पॉइंट उठाया कि बच्चे रीजनिंग नहीं जानना चाहते हैं, उनको बस हेंस प्रूव्ड लिखना होता है। जैसे हम हर एक थ्योरी के नीचे, फॉर्मूला के नीचे हमें उसको मिलाना होता है और हेंस प्रूव्ड लिखते हैं, वो आ जाता है, बच्चे खुश आते हैं, चलो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और क्योंकि मैथ्स सेंट परसेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए कई बच्चे तो इसलिए भी लेते हैं कि चलो पूरे मार्क्स जरूर आएंगे। लेकिन वो बच्चे जिनको मैथ्स का डर है, और ऐसे कई बच्चे हैं जिनको मैथ्स का डर है, सर कौन से लेवल से वो जो फाउंडेशन है उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए? क्योंकि अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग होगा तो बड़े होकर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका वो एप्टीट्यूड शुरुआत से ही बिल्डअप हो जाए। तो स्कूलों में भी कौन से लेवल को मैथ्स को बहुत ही क्रिएटिव ढंग से सिखाने और पढ़ाने की जरूरत है? आपने बहुत अच्छी बात बोली। वो लेवल कुछ भी नहीं है, आप बच्चे क्लास 1 में है या बच्चे नर्सरी में है, उस समय से भी उनको सोचने की क्षमता कैसे विकसित हो, चीजों के बारे में समझ कैसे बढ़े, थ्योरम्स को कैसे समझे, उसके डेप्थ में कैसे जाए, मैथमेटिक्स के हाउ एंड व्हाई को कैसे समझे, खेल खेल में बच्चों का झुंड बनाकर, कुछ हाथ से प्रयोग कर, कुछ दिया सलाई की जो काटी होती है उससे प्रयोग करके, तो तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करके इनिशियल लेवल से जब बच्चों को हम पढ़ाना शुरू करेंगे और उनके दिमाग में ये बात हम लोग प्लान करना शुरू करेंगे कि देखो कुछ भी समझो उसका हाउ एंड व्हाई समझो, क्योंकि बहुत बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान उस समय तक नहीं हो सकता जबकि हम समस्या को उसके जड़ तक जाकर न समझे। इसलिए समझ होनी बहुत जरूरी है। इसलिए जितनी जल्दी ये कोशिशें शुरू हो जाए,
समाधान उतना जल्दी आएगा। तो मेरा मानना है कि नर्सरी क्लास वन से ये चीजें शुरू होनी चाहिए और इसको जारी रखना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ ये नहीं कि स्कूल में ही होना चाहिए, ये सोसाइटी का भी बनता है दायित्व कि भाई कुछ अच्छे वीडियोस डाले। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा वीडियो डालने का, बनाने का, जिसपे बच्चे सीख पाए हाउ एंड व्हाई और उसको फील कर पाए मैथमेटिक्स को, कि भाई मैथमेटिक्स को एक ग्राफ के जरिए कैसे आप बना सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम को, मैथमेटिक्स के एक ही प्रॉब्लम का कितने तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं। बच्चों को सोचने के लिए थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा तो प्रेरित करिए कि ट्रिगोमेट्री का सवाल है लेकिन इसको ज्योमेट्री से कैसे बना सकते हैं, इसको अलजेब्रा से कैसे बना सकते हैं, क्या इसको ग्राफ थ्योरी से बना सकते हैं, तरह तरह से कैलकुलस से भी सोच सकते हैं। अगर इस तरह से हम मोटिवेट करें बच्चों को तो बच्चे एकदम अद्भुत होंगे और बहुत अच्छा करेंगे, देश को आगे। बिल्कुल सर। सर पेरेंट्स को अपने स्तर पर क्या तैयारी करनी चाहिए? अब जैसे आपने बोला कि लड़कियों में नेचुरली एक पढ़ने की अलग ललक होती है, लड़के जो होते हैं थोड़ा स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा उनका रुझान रहता है, उनका ध्यान रहता है, एक लेवल के बाद दोनों सेम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं जब पढ़ाई की बात होती है। तो जो एक एक माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा या उनकी बेटी दोनों मैथ्स में अच्छा अच्छा करे, तो उनके लिए सर आपको क्या एक एडवाइस देनी है अभी आज के टाइम में, जिससे कि अगर लड़की भी चाहे कि वो मैथ्स में अच्छा करना चाहे और इंजीनियरिंग में जाना चाहे आगे आने वाले टाइम में वो जाए, और अगर लड़का चाह रहा है कि उसको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है मैथ्स में तो वो भी आगे बढ़े, तो पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगी अभी? हम तो ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चों को शुरू से मोटिवेट करिए और उनको लॉजिकल बनाइए बातों बातों में। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं कि मैथ पढ़ा के ही उनको लॉजिकल बनाइए। कोई घटना घट रही है, कोई राजनीतिक घटना घट रही है, कोई सोशल घटना घट रही है, तो उसके पीछे का रीजन ढूंढना उनको सिखाइए, उस पर बहस करिए, उस पर डिस्कशन करिए। अब घर हम लोग पेंट करा रहे हैं तो ब्लू कलर से कराए या व्हाइट से कराए, किस कलर से कराए, तो कोई बच्चा बोलता है तो क्यों कराना चाहिए बेटा, उसके पीछे की वजह क्या है, तुमको कैसी आइडिया आया कि ऐसा कलर आना चाहिए, तुम कहाँ कहाँ देखे हो, क्या इससे कोई मिलता जुलता भी कलर तुम सोच सकते हो। इस तरह से हम बच्चों से डिस्कस करेंगे, कोई चीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो बच्चों की समझ बढ़ती है, वो लॉजिकल होता है। और जब बच्चा लॉजिकल होता है तो हम लोग उसको प्रमोट करें, खासकर बच्चियों को, क्योंकि बच्चों को लोग प्रमोट करते हैं, बच्चियों को थोड़ा सा कहते हैं कि चलो बेटी तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम बायोलॉजी पढ़ लो, तुम आर्ट्स ले लो वगैरह वगैरह, तो बच्चे को तो करना ही है, बच्ची को भी आपको इनकरेज करना है, उनको भी लॉजिकल बनाना है। और आप हो सके कि आपका मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं हो, आप पेरेंट्स हैं, फिर भी बच्चों को ये हमेशा सोचिए और उनसे पूछिए कि अच्छा बच्चे आप क्या समझ रहे हैं मैथमेटिक्स को, तो हाँ पापा ये सवाल तो हमने बना दिया, इसको प्रूफ कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन इसका रीजन समझा कि नहीं, क्या बेटा इसको कोई और दूसरे ढंग से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, क्या इस सवाल में जो फार्मूला जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसका अप्लीकेशन और तुम कहाँ कर सकते हो, कभी ऐसा किया था। इस तरह से बातचीत करें बच्चों से, और सबसे बड़ी दवा होती है, सबसे बड़ा उपचार होता है, सबसे बड़ा समझिए कि एक तरकीब हो, कहिए ज्यादा अच्छा शब्द है, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए कि पेरेंट्स को चाहिए उनसे ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर महसूस करता है, डर के भाग रहा है, जो सबसे आम बात होती है, तो डर रहा है तो उसके रीजन को जानने का प्रयास करें। अगर बच्चा नाइन्थ में और मैथमेटिक्स से डर रहा है तो उससे पूछिए क्या क्लास एट में प्रॉब्लम है, क्या क्लास सेवेंथ तक नीचे लाइए कहाँ उसका प्रॉब्लम है, वही से उसको शुरुआत कराइए, उसको मोटिवेट करिए, इनकरेज करिए। कोई बात नहीं बेटा तुम शुरू से समझो, लेकिन समझते हुए मैथमेटिक्स पढ़ो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बगैर समझे हुए पढ़ने से कुछ भी नहीं होने जा रहा है, इसलिए माता पिता का तो दायित्व कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी भूमिका। बिल्कुल सर, और जैसा आपने कहा कि ये धारणा तो सबसे पहले बिल्कुल गलत है कि कोई किसी पर भारी है। देखा जाए तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही पढ़ाई में अच्छा करते हैं, आंकड़े बताते हैं कि 19-20 का फर्क तो जरूर होता है, लेकिन अगर समान मौके मिले तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो या मैथमेटिक्स की बात हो रही है, तो वो अच्छा करने के पूरे योग्य हैं। धन्यवाद करेंगे
सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और मैथ्स में कैसे आप टॉप कर सकते हैं, कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा करने के लिए भी सर धन्यवाद आपका एक बार फिर से। सूडान में गृह युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार ने आसमान से लेकर समंदर तक युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। अब तक 278 से ज्यादा भारतीय वहां से निकाले जा चुके हैं। सूडान से दूसरे देशों के नागरिक आसानी से निकल सके इसलिए 72 घंटे के लिए युद्ध विराम का ऐलान हुआ है। वहां सोने की 4000 खदानें हैं, लेकिन यही स्वर्ण भंडार सूडान के लिए अभिशाप बन चुका है। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। सूडान की सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। भीषण संघर्ष के बीच सूडान में समंदर किनारे जय हिंद के नारे लग रहे हैं। समंदर किनारे एक शिप पर खड़े ये लोग खुशी में जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये अब सुरक्षित अपने वतन हिंदुस्तान जो लौटने वाले हैं। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सूडान पोर्ट पर पहुंचा नौसेना का युद्धपोत INS सुमेधा। अपनी देश की नौसेना को देखकर वहां मौजूद भारतीयों के चेहरे पर खुशहाली लौट आई। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और बीते करीब 10 दिनों से एक दूसरे से ही युद्ध लड़ रहे हैं। सूडान में गृह युद्ध के पीछे जिम्मेदार हैं सूडान के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान, जो वहां के राष्ट्रपति भी हैं, और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। सत्ता हासिल करने के बाद दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच झगड़ा बढ़ गया, जो आज की तारीख में युद्ध के रूप में बदल गया है। दोनों के बीच असली संघर्ष की वजह सत्ता नहीं बल्कि सोना है। दरअसल पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे बड़ा सोने का भंडार सूडान में ही है। देश के सबसे मुनाफे वाली सोने की खदानों पर अर्धसैनिक बल RSF के मुखिया हेमेदती का कब्जा है। हेमेदती सोने को सूडान सरकार को ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों को भी बेचते हैं। सोने की कमाई से ही हेमेदती अपने सुरक्षा बलों को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराते हैं। पिछले साल दिसंबर में ये सहमति बनी थी कि खदानों से निकलने वाला सोना चुनी हुई सरकार को दे दिया जाएगा, लेकिन खदान पर अपने नियंत्रण खोने के डर से हेमेदती ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। अब सेना चाहती है कि किसी तरह से सोने के खदानों से हेमेदती का कब्जा हट जाए, और हेमेदती ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, और इसी का खामियाजा सूडान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। पिछले हफ्ते पुंछ में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में ISI और पाकिस्तानी आतंकी संगठन का हाथ सामने आया है। अब जांच एजेंसियों ने उस मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा कर दिया जो सेना के 5 जवानों की शहादत का जिम्मेदार है, जिसे पुंछ आतंकी हमले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। सामने आया पुंछ आतंकी हमले का मास्टरमाइंड। सेना को आतंक के सुल्तान की तलाश। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों के आका का मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत, जिम्मेदार आतंकी इस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपा बैठा है। उस मास्टरमाइंड का नाम है रफीक नई उर्फ सुल्तान। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक तहरीके उल मुजाहिदीन गजनबी का कमांडर है रफीक नई, उसे सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। रफीक का काम POK के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग पूरा कर चुके आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराना है। जांच एजेंसियों के मुताबिक रफीक जम्मू का ही रहने वाला है और उसे जम्मू में घुसपैठ के रास्तों की पूरी जानकारी है। एजेंसियों को शक है कि जिन आतंकियों ने सेना के ट्रक पर हमले को अंजाम दिया था वो रफीक की मदद से ही सीमा पार से भारत में दाखिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने आतंकी हमले की साजिश रची। पुंछ हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ही एक संगठन PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ले ली थी।
सूत्रों के मुताबिक सेना के ट्रक पर हमला करने वाले कुल 5 आतंकी थे, जिनमें से 2 आतंकी पाकिस्तानी थे। रफीक नई ने ही उन सभी आतंकियों को पीओके से भारत में दाखिल करवाने में मदद की थी। अब आतंक का ये सुल्तान जांच एजेंसियों की रडार पर है। रफीक का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान की गोद में छिपकर बैठा रफीक तभी तक सुरक्षित है जब तक कि वो पीओके में है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर के बाद अब सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में रफीक का भी नाम जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन को लेकर नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता ने उमेश की हत्या से एक दिन पहले चकिया में अपने घर पर शूटर्स की मीटिंग ली थी। उन्हें पैसे और मोबाइल दिए थे। एसटीएफ के सूत्रों से ये भी खबर है कि पुलिस से बचने के साथ शाइस्ता अतीक की सारी संपत्तियों को अपने नाम ट्रांसफर कराने में लगी हुई है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद अतीक गैंग मिट्टी में मिल गया है, लेकिन अभी भी अतीक की दहशत की कहानियां सामने आ रही है। अतीक के नाम के अलावा उसकी दहशत की बड़ी वजह था उसका गैंग, जिसमें एक से बढ़कर एक खूंखार अपराधी शामिल थे। ये सभी अतीक के कहने पर फिरौती, अपहरण और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते थे। इस लिस्ट में शामिल अतीक गैंग के अपराधियों में से कोई शूटर है तो कोई जमीन पर कब्जा करने के एक्सपर्ट। कुछ अपराधी ऐसे हैं जो धमकी देने में माहिर हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो चाकू से हत्या करने के एक्सपर्ट हैं। इस लिस्ट में शामिल हर व्यक्ति अपराध की दुनिया का माहिर अपराधी है, और इन सभी अपराधियों का एक ही सरगना था, और वो था अतीक अहमद। उमेश पाल की हत्या से करीब 15 दिन पहले 9 फरवरी 2023 को DCRB यानी डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रभारी ने अतीक अहमद के पूरे गैंग का खाका तैयार किया था। उस गैंग में शामिल लोगों की लिस्ट बनाई गई तो इसमें 121 नाम सामने आए। इन 121 सदस्यों में से 58 ऐसे थे जो अतीक के काफी करीबी सहयोगी थे। अब हम आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम बताएंगे जो अतीक गैंग के सबसे खतरनाक अपराधी हैं। इन अपराधियों पर अतीक अहमद आंख मूंद कर भरोसा करता था। अतीक अहमद के सबसे खास या कहें सबसे खतरनाक अपराधियों की लिस्ट में 12 नाम थे। इनमें 4 नाम ऐसे हैं जो अतीक के सबसे खतरनाक और चहेते शार्प शूटर हैं। इन 4 शूटर्स के अलावा 8 नाम ऐसे भी हैं जो अतीक अहमद के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे, और कुछ ऐसे हिटर हैं जिनके अपराध का ग्राफ अतीक गैंग से जुड़ने के बाद तेजी से बढ़ा था। अतीक गैंग में शामिल अपराधियों की इस एक्सक्लूसिव लिस्ट में शामिल हर अपराधी पर अब पुलिस की नजर है, क्योंकि भले ही अतीक अतीत हो चुका है लेकिन उसका गैंग अभी भी बचा हुआ। आने वाले दिनों में कहीं से पानी मिला तो अपराध की ये बेलें फिर से फलने फूलने लगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में मलेरिया के मामलों में भारी कमी आई है, मगर अब भी हर साल इससे हजारों लोगों की मौत हो रही है। आज वर्ल्ड मलेरिया डे पर हम इसके खतरों पर करेंगे चर्चा, समझेंगे भारत 2030 तक मलेरिया मुक्त होने के कितने करीब है और इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार का प्रयास पर काम बढ़ा है। मलेरिया भले ही ज्यादा घातक नहीं रह गया है, लेकिन दुनिया भर में 4 लाख से अधिक मौत के लिए अकेले मलेरिया जिम्मेदार है। इनमें करीब 2/3 मौतें 5 साल से कम उम्र के बच्चों से जुड़ी है। मच्छरों से पैदा होने वाली ये बीमारी खासकर अफ्रीकी देशों में बेहद जानलेवा है। भारत सरकार ने मलेरिया को जड़ से मिटाने के लिए 2015 में कमर कसी और 2030 तक इससे मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। सरकार के मुताबिक भारत में मलेरिया के मामलों में 2015 से 2022 के बीच करीब 85% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान मौत के आंकड़ों में भी 83% से अधिक की कमी आई है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। WHO के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में मलेरिया के कुल मामलों में 0.2% मामले भारत से मिले। मलेरिया से होने वाली मौत की बात करें तो कुल ग्लोबल डेथ में भारत का महज 0.25% योगदान रहा। दक्षिण एशिया की बात करें तो यहां 2020 में मलेरिया के 50 लाख के करीब मामले सामने आए। इनमें करीब 9,000 लोगों की मौत हो गई। इसमें 82% यानी 7,300 मौत भारत में हुई। इसके बाद इंडोनेशिया में करीब 1,300 मौत और म्यांमार में करीब 100 मौत हुई। अब मलेरिया के होने की वजह समझते हैं। दरअसल ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है।
इस मादा मच्छर में एक खास प्रकार का पैरासाइट यानी परजीवी पाया जाता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। यह पैरासाइट लीवर और ब्लड सेल्स को संक्रमित कर देता है और इससे रोगी को तेज बुखार हो जाता है। समय पर इलाज न मिलने पर यह रोग जानलेवा भी हो सकता है। मुख्य तौर पर मलेरिया के प्रकार में सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम टाइप का बुखार होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति बेहोशी की हालत में आ जाता है। इसके लक्षणों की बात करें तो रोगी को ठंड लगने के साथ तेज बुखार, सिर दर्द, मतली आना, उल्टी आना, पेट और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है। इसके वैक्सीन की बात करें तो RTSS अब तक का सबसे प्रभावी टीका माना जा रहा है। खासकर बच्चों में मलेरिया को रोकने के लिए RTSS काफी प्रभावी है। वहीं साइंटिस्टों ने मलेरिया का नया टीका R21 मैट्रिक्स M तैयार किया है, जिसकी एफिकेसी रेट 75% मानी जा रही है। WHO इस वैक्सीन को जल्द ग्लोबल मंजूरी देने की तैयारी में है। मलेरिया पर काबू पाने का मतलब है कि डेंगू, चिकनगुनिया और मस्तिष्क बुखार के खतरे को भी बहुत हद तक कम किया जा सकेगा, क्योंकि ये रोग भी मच्छरों के काटने से होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने ब्रोकर्स के कामकाज के तरीके में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। ब्रोकर्स के लिए बदलाव 1 मई से लागू होगा। पूरी खबर अच्छे से समझते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार हमारे साथ है। ब्रजेश, इस पूरी खबर का ब्यौरा और मायना आपसे समझना चाहेंगे। सेबी ने यह नया नियम लागू किया है कि 1 मई से ब्रोकर जो है वो क्लाइंट का जो पैसा होता है उस पैसे से बैंक गारंटी नहीं बनवा सकेंगे। साथ ही जो मौजूदा बैंक गारंटी क्लाइंट के पैसों से बनवा रखी है उसको भी 30 सितंबर तक खत्म करना होगा। ये मौका दिया जा रहा है करीब करीब 5 महीने का कि ताकि जो क्लाइंट्स हैं उनको ट्रेडिंग में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए ये 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। साथ ही एक्सचेंजेज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को ये जिम्मा दिया गया है कि वो इस नियम का पालन करवाएँ और 1 जून के बाद हर पखवाड़े में ये रिपोर्ट दें कि कितना पैसा जो बैंक गारंटी का पड़ा है क्लियरिंग के पास उसमें से कितना पैसा क्लाइंट के कितना बैंक गारंटी में कितना पैसा क्लाइंट का पैसा है और कितना पैसा ब्रोकर का अपना पैसा है, ताकि सही स्थिति मिल सके। साथ ही 30 सितंबर की जब मियाद ख़त्म होगी तो उसके बाद 16 अक्टूबर तक ब्रोकर्स को अपने ऑडिटर से रिपोर्ट बनवा कर देना पड़ेगा कि उन्होंने सेबी का जो ये नियम था कि क्लाइंट के पैसे से बैंक गारंटी नहीं बन सकती इसका पूरा पालन किया है। अब बात यह है कि सेबी को यह नियम लाना क्यों पड़ा। दरअसल पिछले कई सालों में इस तरह के मामले हुए हैं जहां पर जो क्लाइंट का पैसा है उसके दुरुपयोग के मामले सामने आए थे, इसलिए सेबी ने इस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला जो है वो फैसला किया है। अगर आप देखें तो 1 जुलाई से एक नई व्यवस्था आ रही है जहां पर जो भी एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे यानी कारोबारी दिन के खत्म होने के बाद जो भी पैसा क्लाइंट के हिस्से का बचेगा वो ब्रोकर को क्लियरिंग कॉरपोरेशन को भेजना पड़ेगा और ब्रोकर के पास किसी भी तरह का कोई पैसा क्लाइंट का बचा नहीं रहेगा। तो एक सुरक्षित नई व्यवस्था लाई जा रही है सेबी की तरफ से 1 जुलाई से, इसलिए भी बैंक गारंटी की व्यवस्था को खत्म करने का सेबी ने फैसला किया। जी धन्यवाद करेंगे पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए ब्रजेश आपका। आइए आज के बाजार को भी देख लेते हैं कैसा रहा। मंगलवार को दिन भर बाजार में हुआ सीमित दायरे में कारोबार। अंत में सेंसेक्स 74 अंक चढ़कर 60,100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी में 25 अंकों की मामूली बढ़त दिखी और निफ्टी की 17,710 के लेवल पर हुई क्लोजिंग। बैंक निफ्टी 42 अंक चढ़कर 42,700 के करीब हुआ बंद। और बाजार में सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला, समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। देखिए बाजार में आज हरे निशान में क्लोजिंग देखने मिली है, लेकिन दिन भर अगर आप देखेंगे तो बाजार में उतार चढ़ाव देखने मिला था। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, उसके बाद हम दिन के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहे थे एक समय था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो खासकर ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह का दबाव देखने मिला उसने बाजार को आगे बढ़ने नहीं दिया है। और इसके लिए आपने देखा कि खासकर सेकेंड हाफ में और वो भी बाजार बंद होने के पहले आधे एक घंटे में अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में ऊपरी स्तर से अच्छा खासा थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो बाजार में आज काफ़ी ज़्यादा देखने मिला है। और जो स्टॉक सबसे ज़्यादा फोकस में थे उसमें देखिए क्रॉम्पटन कंज्यूमर, जो मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है, लोगों को पसंद नहीं आया स्टॉक में 10-12% के आसपास की गिरावट थी। इप्का लैब्स जो ये अधिग्रहण कर रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं आया, तो उसके चलते आप देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। वेस्पर इंडिया बोर्ड
आगे चल के बैठक करने वाला है, बायबैक करेगा, उसके चलते स्टॉक में तेजी थी। और जोमेटो आज दिन भर तेजी में था क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई है, कुछ रिपोर्ट्स भी आई है, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं जोमेटो पे देखने मिला और दिन भर स्टॉक में काफ़ी हलचल थी। वहीं निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में तेजी थी। ब्रिटानिया, इंडसइंड बैंक में आज अच्छे खासे गेंस देखने मिले मैनेजमेंट के कॉन कॉल के बाद। लूजर्स में HDFC लाइफ, HDFC बैंक, HDFC जितने भी HDFC समूह की कंपनियां थी उनमें गिरावट थी और UPL में करीब 2% के आसपास की गिरावट थी। वैसे तो मिड कैप्स में काफ़ी सारे सेक्टर फोकस में थे, लेकिन रेलवे सेक्टर यहां अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली। RVNL, राइट्स, IRFC, रेलटेल में अगर आप देखेंगे तो गजब की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। नतीजों का रिएक्शन नेल्को में देखने मिला, 11-12% के आसपास के गेंस वहाँ पे थे। महिंद्रा हॉलीडेज, सेंचुरी टेक्सटाइल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो नतीजों का भरपूर इंपैक्ट देखने मिला है। वहीं बाकी गेनर्स की बात करें तो आज BSE लिमिटेड में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी। जो एक्सचेंजेस थे उनमें आज काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम देखने मिला। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, अनुपम रसायन को एक ऑर्डर मिला, उसका भी इंपैक्ट देखने मिला। SJVN में भी 4-4.5% के आसपास के गेंस थे। गिरावट थी मेगमनी फाइन केमिकल्स में, प्रूडेंट कॉर्पोरेट, TCI, एक्सप्रेस स्पाइस जेट, ये तमाम वो काउंटर्स है जहाँ पे गिरावट देखने मिली। तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिला। ग्लोबल मार्केट से कोई सपोर्ट मिला नहीं था, इसके लिए आपने देखा कि और काफी सारे स्टॉक्स में एक्शन जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा गया है। और आपको बताएं, यूनिकैम लैब में हिस्सा लेने के करार से इपका लैब में तेज गिरावट आज देखी गई। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारी सहयोगी नुपुर जैन से। इपका लैब्स आज फोकस में था और यहाँ पे एक बड़ी खबर सामने आई थी जहाँ पे कंपनी 33% हिस्सा खरीदने वाले यूनिकैम्स में करीबन 440 के भाव पे 1,000 करोड़ की ये डील होगी। और इसके अलावा एक ओपन ऑफर भी साथ में आएगा क्योंकि 25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदने वाली, इसलिए 26% का ओपन ऑफर आपको दिखेगा 800 करोड़ के आसपास का। तो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू दिखे तो करीबन 1,800 करोड़ के आसपास की ये डील साइज हुई है इपका लैब्स की यूनिकैम के साथ। अगर इसके अलावा बात करें कि आज स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों थी, क्योंकि इस डील को थोड़ा और डिटेल में समझे तो एक्विजिशन जो है वो 2.5% की सेल्स पे आपको नजर आएगा। यूनिकैम की जो सेल्स है पिछले कुछ सालों में 2022 या 23 की भी बात करें तो 1250 के आसपास रही, 1250 करोड़ के आसपास रही है। इनफैक्ट उनके जो मार्जिन है पिछले साल सिर्फ 9% के मार्जिन थे और अभी 9 महीने तक उनके नेगेटिव मार्जिन आते दिखे क्योंकि कंपनी का एबिटा लेवल पर लॉस हुआ था। इनफैक्ट यूनिकैम US मार्केट का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करती है, उसमें से 60% US से आता है। और इपका की बात करें तो पूरा डोमेस्टिक फोकस्ड इनका कारोबार है। तो कंसर्न्स यही निकल के आ रहे थे कि US जहाँ पे सारी दिग्गज कंपनियों को इतनी दिक्कतें हो रही है, अब इपका वहाँ जाकर क्यों ये एक्विजिशन से क्या करने वाला है। लेकिन इसके अलावा नंबर्स को भी प्लॉट करें तो इपका की आय में करीबन 20% का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इस एक्विजिशन से आ सकता है, लेकिन जो हाई मार्जिन बिजनेस है डोमेस्टिक का उसका जो चंक है, उसका जो पाई है वो 45 से कम होकर करीबन 37% के आसपास हो जाएगा, जो एक बड़ा कंसर्न सामने फिलहाल निकल के आ रहा था। 1800 करोड़ डील के लिए कंपनी को डेट भी उठाना पड़ सकता है क्योंकि करीबन 580 करोड़ का ही कैश कंपनी के पास है। तो काफ़ी सारे कंसर्न्स निकल के आए थे यहाँ पर इपका और यूनिकैम की डील पे, जिसके चलते आज स्टॉक में बड़ा दबाव नजर आया था। और क्यों आज फोकस में है एग्रोकेमिकल कंपनियां, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। देखिए, आज दिग्गज एग्रोकेमिकल कंपनीज में आपको गिरावट देखने को मिली क्योंकि इजराइल बेस्ड जो कि ग्लोबल लीडर कंपनी है एडमा, यहां पर अगर आप देखें तो इनके नतीजे आए थे और नतीजों के साथ कुछ हाईलाइट्स भी निकल कर आई हैं। सबसे पहले आपको नतीजे बता देता हूं कि यहां पर आय में करीब 11% की गिरावट आपको देखने को मिली, कामकाजी मुनाफा जो है 18% घटा है, मार्जिन में भी आप देखें तो 1% की गिरावट देखने को मिली, यानी पिछले साल करीब 14% के जो मार्जिन थे इस बार केवल 13% रहेगी। और मुनाफे का आंकड़ा तो बेहद डिसअपॉइंटिंग है, जहां पर 7.5 करोड़ पिछले साल का आंकड़ा था, अब केवल 2.2 करोड़ का आंकड़ा जो है कंपनी ने दर्ज किया है। तो नतीजे अगर आप देखें तो हर पैमाने पर काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन कॉमेंट्री के हिसाब से भी देखें जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर जो सेल्स है इसमें आपको 25% की गिरावट देखने को मिली, एशिया पैसिफिक में भी जो बिक्री है वो 12% घटी है। और दरअसल इसके पीछे कारण ये भी है कि
इन्वेंट्री पाइलअप काफी ज्यादा हो गया, तो जो बिक्री हो रही है वो इन्वेंट्री के माध्यम से हो रही है, और साथ में अगर आप देखें तो जो पिछले साल है इसके मुकाबले जो क्रॉप्स की कीमतें हैं वो गिर गई हैं। हालांकि 10 साल की एवरेज की तुलना करके देखेंगे तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल से थोड़ी सी कीमतें घटी हैं, और जो स्लो डाउन आपको यूरोप में देखने को मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल रहा है, इसके चलते भी अगर आप देखें तो फार्मर्स की जो अफोर्डेबिलिटी है इसके ऊपर इम्पैक्ट है, और इसी का असर है कि जो ग्लोबल कंपनीज है, भारतीय ग्लोबल कंपनीज जिनका एक्सपोजर खासतौर पर एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर UPL है, PI इंडस्ट्रीज है, ये दो कंपनीज पर नज़र रखिएगा, यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली। और जोमैटो के शेयर में एक्शन क्यों दिखा, आज आशीष ही में बता रहे हैं। देखिए इंट्राडे में स्टॉक में 8% से ज्यादा की तेजी आपको देखने को मिली। दरअसल अगर आप देखें तो स्विगी और जोमैटो जो कि दोनों एक ही जैसे कारोबार में है, इन्होंने अपनी तरफ से जो है एक ग्रेट इंडियन कार्निवल फेस्टिवल की जो है शुरुआत की है, डाइनिंग फेस्टिवल की, जो 22 अप्रैल से जोमैटो में शुरू हो गया है और 12 अप्रैल से लेकर 4 जून तक स्विगी ने इसको शुरू कर दिया है। दरअसल अगर आप देखें तो इसके तहत जो प्रीमियम मेंबर्स है, जैसे जोमैटो में गोल्ड है, स्विगी में सुपर है, यहाँ पर आप जो बुकिंग्स करते हैं रेस्टोरेंट्स में और डाइन आउट जो करते हैं इसके ऊपर डिस्काउंट जो है ऑफर किया जाएगा। जोमैटो अगर आप देखें तो ऐसे डाइन आउट्स पर करीब करीब 40% तक जो है डिस्काउंट्स ऑफर करता है। इसमें कुछ नया नहीं है, काफ़ी सालों से जोमैटो के पास ये ऑलरेडी सर्विस है, जहाँ पर अगर आप डाइन आउट कर रहे हैं तो आप प्री बुकिंग कर सकते हैं, और प्री बुकिंग करने के बाद आप देखिए डिस्काउंट्स भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब एक मेजर टर्न अराउंड पॉइंट दोनों कंपनीज के लिए इसके हो रहा है कि दोनों कंपनीज विचार कर रही हैं कि ये जो फीचर है इसे पेड कर दिया जाए, यानी ये फीचर को मोनेटाइज करने वाले हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट्स में जाके बुकिंग कर रहे हैं पहले से वेल एडवांस, ताकि आपको जो है बाद में जाके वेट ना करना पड़े, तो ऐसी बुकिंग का आगे जाकर स्विगी और जोमैटो चार्ज लेंगे, तो एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम जो खुल रही है, इसी के चलते आप देखिए स्टॉक में तगड़ा रिएक्शन देखने को मिला और करीब 8% की बड़ी इंट्राडे तेजी इस स्टॉक में देखी गई। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपके लिए अच्छी खबर। इन दोनों कामों के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ की तरह देने होते हैं। कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब सरकार ने 30 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी की है, और इनमें से किसी भी एक प्रूफ के जरिए लाइसेंस लिया जा सकता है या फिर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस लिस्ट पर राज्यों समेत सभी स्टेक होल्डर से 10 मई तक सुझाव मांगे हैं। परिवहन मंत्रालय का मानना है कि इससे लोगों को आसानी होगी। ये नियम मंजूर होने के बाद लोगों को प्रूफ के लिए कई विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पाकिस्तान में क्या सैन्य तख्ता पलट होगा, क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में सैन्य शासन लगेगा। दरअसल ये सवाल पिछले कई दिनों से उठ रहा है, लेकिन अब इसकी गुंजाइश ज्यादा बढ़ गई है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। बस 4 दिन के अंदर पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। बस 4 दिन के अंदर शहबाज शरीफ की कुर्सी जाने वाली है। अचानक से चीन क्यों पहुंच गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ, क्या चीन से सैन्य तख्ता पलट की मंजूरी लेने पहुंच गए जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान में शहबाज सरकार भी जानती है कि वो सिर्फ कठपुतली है, सारे फैसले तो सेना ही लेती है। ऐसे में जब तक सेना का हाथ है, शहबाज शरीफ की कुर्सी बची हुई है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ की आशंका वहां के वकीलों और जजों के परिवारों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ को लेकर वहां की दो महिलाओं की कॉल रिकॉर्डिंग लीक होने से भूचाल आ गया है। इनमें से एक महिला पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सास है और दूसरी मुल्क के एक बड़े वकील की पत्नी है। दोनों महिलाएं दावा कर रही हैं कि सेना ने तख्ता पलट की तैयारी कर ली है। सवाल है कि आखिर दो VIP महिलाएं सैन्य तख्ता पलट पर चर्चा क्यों कर रही है। इस ऑडियो लीक के बाद पाकिस्तान की राजनीति में हलचल मची हुई है। जरूर कहीं न कहीं मार्शल लॉ की आग लगी है, तभी तो धुआं उठ रहा है। हालांकि शहबाज सरकार अपनी ही सफाई दे रही है। पाकिस्तान में जिस तरह के राजनीतिक और आर्थिक हालात बने हुए हैं, उससे पाकिस्तान गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ लोगों को उम्मीद है कि अगर सेना सत्ता में आएगी तो पाकिस्तान की स्थिति बेहतर होगी।
पिछले दिनों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकास अब्बासी ने भी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट को देखते हुए सेना तख्ता पलट कर सकती है। अब देखना होगा कि चार दिन बाद जब जनरल आसिम मुनीर चीन से लौटकर आएंगे तब अपनी सेना को तख्ता पलट का ऑर्डर देंगे या फिर चीन में रहते हुए शहबाज शरीफ को गद्दी से हटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आज केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुले, जिसके बाद केदार घाटी हर हर महादेव के घोष से गूंज उठी। 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो बाबा केदार के प्रथम दर्शन के लिए कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों की भारी भीड़ केदार धाम में मौजूद थी। ज्योतिर्लिंगों में पंच केदार में सबसे पवित्र, सभी कष्टों को हरने वाले केदारनाथ धाम में बाबा दे रहे हैं भक्तों को दर्शन। सुबह सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खुले और इसी के साथ केदारनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ देश के कोने कोने से पहुंची। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने के साथ हुई और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के साथ इस यात्रा में और तेजी आई। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी भी हुई है, जिसे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। फिलहाल 30 अप्रैल तक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि तीर्थयात्री मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। हालांकि भारी बर्फबारी और सीएम की अपील एक तरफ है और बाबा के दर्शन को आतुर भक्तों का उत्साह दूसरी ओर, और यहाँ पर मौजूद भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए लग रहा है ठंड और खराब मौसम पर आस्था भारी है। बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ में कमरे नहीं मिल रहे। इस साल केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। जिस तरह केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है, उसके बाद इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। पहले चरण में 5 काउंटर से टोकन दिए जाएंगे। इसके बाद यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के हिसाब से काउंटर भी बढ़ा दिए जाएंगे। धाम पहुंचने वाले यात्रियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। वहीं हेली टिकटों की बुकिंग करने के लिए चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री बुकिंग नहीं करा पाएंगे। यहां भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अब अगले 6 महीने तक बाबा के दरबार में यूं ही भक्तों का तांता लगा रहेगा और केदार घाटी में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।